बच्चों, अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले ये टॉपिक कहाँ से आया, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में, अकॉर्डिंग टू विच इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करेंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या मैग्नेट के थ्रू भी मतलब जो है करंट प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए जो है फैराडे ने वर्क किया, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, 6 साल तक एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने कॉइल ली और मैग्नेट ली, उसमें मतलब एक कॉइल लेकर और मैग्नेट को लेकर उन्होंने काफ़ी इसको जो है कोशिश की कि इसमें मैग्नेट से कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए, बट उनको 6 साल तक कोई जो है कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। और एक बार गुस्से में आके उन्होंने मैग्नेट को फेंका और वो मैग्नेट इसमें से पास हुई, तो मतलब कॉइल में से जब वो पास हुई तब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो है उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। वो चीज़ जब मतलब लास्ट टाइम पे उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, तो मींस इस चीज़ का कि करंट प्रोड्यूस हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेट से, ये चीज़ फिर निकल के आई, ये कंक्लूड हुआ, ठीक है। और ये प्रूफ हुआ कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, बट मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ये फैराडे ने प्रूफ किया, ठीक है। और इसी चीज़ को हम मींस प्रोड्यूसिंग और द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट तो बनता था, बट मैग्नेटिक इफेक्ट से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स भी आपको कुछ बुक्स में मिलेंगे, लेकिन अपने एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। उन्होंने केवल ये किया था, कॉइल में जो है मैग्नेट को अंदर बाहर ले जाके उन्होंने करा कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, जिसके लिए उन्होंने इस तरीके से कॉइल ली थी और जो है सर्किट कंप्लीट किया। एक गैल्वेनोमीटर लगाया उन्होंने। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच शोज डिफ्लेक्शन इवन व्हेन देयर इज़ अ वीक करंट। बहुत कम करंट होता है तब भी ये डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इसमें जब वो उन्होंने मैग्नेट को अंदर बाहर ले जाया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये मैं बता ही रही हूँ फैराडे ने क्या किया है ना। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या था कि मैग्नेट को लेके आए अंदर, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर जब वो अंदर की तरफ मैग्नेट को लेके आ रहे हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ, मीन्स वो जब जो है अपना मैग्नेट को पहले तो उन्होंने स्टेशनरी रहने दिया, ठीक है। व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी बाहरी और ऐसे ही ये चीज़ है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। फिर वो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का अंदर लेके आए, ठीक है, टुवर्ड्स द कॉइल। तो उन्होंने क्या देखा कि जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो राइट साइड मूव हो गया था, ठीक है। फिर उन्होंने जब अंदर लेके गए फिर रुक दिया, तो फिर वो स्टॉप हो गया, ज़ीरो पर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद जब वो बाहर लेके गए इसको तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगा, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की। इसके अलावा जब स्पीड से जब कर रहे हैं तो इसका जो डिफ्लेक्शन है ज़्यादा हो रहा है, इनक्रीज़ हो रहा था, और जब वो स्पीड से बाहर ले जा रहे हैं तब भी डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा था। तो ये चीज़ें इन्होंने कंक्लूड की, और ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए, ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है इसलिए।
ठीक है, बट मैं बता रही हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड से कैसे जनरेट होता है कि अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, अगर ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ठीक है, विच इज़ नॉट चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला गैल्वेनोमीटर में। लेकिन जब हम इसको अंदर या बाहर ले जाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मींस मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, पहले मैं ये बता देती हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग ओवर अ सरफेस, ओवर अ एरिया, कुछ भी कह सकते हैं, मीन्स किसी भी एरिया से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो जब हम अंदर की तरफ ले जाएंगे तो जैसे कि मतलब इस तरीके से अंदर आएंगे तो ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी ज़्यादा, ठीक है, इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे हम पास लेते इसके पास लेके आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होते जाएंगी अंदर, ठीक है, और जैसे जैसे हम दूर लेके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है चेंज इसमें भी होते जाएंगे, लेकिन कम होती जाएंगी। जब हम पास लेके जाएंगे तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होते जाएंगी ना अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हम इसके पास लेके जाएंगे, ऑब्वियसली आपको पता है मैग्नेट में आपको इस तरीके से शो होता है, तो जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट उतनी ही कम होंगी, जितना क्लोज होगा उतनी ही ज़्यादा होंगी, अब मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो, है ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, जब हम इसके पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी और दूर वाले में कम पास होंगी, ठीक है। मीन्स जब हम पास लेके जा रहे हैं, अंदर लेते जा रहे हैं तब भी चेंज हो रही है, और बाहर ले जा रहे हैं तब भी चेंज हो रही है, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है, केवल ये ही रीज़न है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने, फैराडे ने ऑब्जर्व की थी, कंक्लूड की थी, ठीक है, दैट मैग्नेटिक बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही प्रोसेस जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, कोई हम करंट प्रोड्यूस करंट दे नहीं रहे हैं, हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रोसेस है, इससे मतलब कितने तरीके से हम करंट को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इन हाउ मेनी वेज और व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन जनरेट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके लिए पहला तो यही रीज़न हो गया, थ्री रीजंस हम दे सकते हैं। फर्स्ट रीज़न बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल, अगर कॉइल में जिसमें कि हमें जो है करंट प्रोड्यूस करना है, उसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करेंगे या चेंज करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस करना कहते हैं इसे हम, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इसको मूव कराएं, कॉइल को ही मूव कराएं, तब भी इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको मूव कराएंगे तब भी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, ठीक है ना, समझ गए। दो पॉइंट्स, पहला कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करें हम किसी कॉइल में बाय मूविंग अ मैग्नेट बाय विच मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तब जनरेट हो सकता है बाय मूविंग द मैग्नेट। और दूसरा
कि हम कॉइल को एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराकर रख कर सकते हैं जनरेट। और तीसरा, हम एक जो है कॉइल में जिसमें कि हमें प्रोड्यूस करना है, उसके पास हम दूसरी कॉइल जिसमें कि हम करंट दे रहे हैं, ठीक है, उसको पास रख के भी हम इसमें करंट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जब करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा तो उससे इसमें भी मैग्नेटिक जो है फील्ड इसमें एंटर होगी, और इसको हम ऑन ऑफ करके इसके हम जो है मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें कम ज़्यादा या मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब ऑन ऑफ करेंगे तो इससे भी इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो जाएगा, ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो वेरी करेगा, और जिससे कि क्या होगा, आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये तीन तरीकों से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तीन तरीकों से हम मैग्नेटिक जो, तो हम तीन तरीकों से मतलब कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, मैग्नेट को मूव कराकर कॉइल में जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, कॉइल को मूव कराकर मैग्नेटिक फील्ड में। और तीसरा क्या था, हम एक करंट कैरिंग कॉइल को जो है कॉइल के पास रखकर और इसका जो है इसमें करंट वेरी करके हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। थ्री टाइप से हम इंड्यूस कर सकते हैं, ये हमने बता दिया। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हम कैसे पता करते हैं, वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के थ्रू। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता क्या है, उसके जिसके के थ्रू हम इसको पता करते हैं। तो सबसे पहले अपने राइट हैंड की थ्री फिंगर्स मीन्स सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब, इन तीनों को इस तरीके से मीन्स वी स्ट्रेच फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड थंब इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन इफ, जैसा कि हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा ही था, उसी तरीके से ध्यान रहे, इसको भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। देन इफ़ द फोर फिंगर शोज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब शोज़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन, ठीक है, देन द सेंट्रल फिंगर शोज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ये फोर फिंगर शो करती है और थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर शो करता है, तब ये सेंट्रल फिंगर शो करेगी इंड्यूस्ड करंट को, ठीक है। तो इस, ये है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और यहाँ तक प्रॉपर अपना कंप्लीट कर लीजिएगा वर्क। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक और चीज़ कि हम राइट हैंड रूल का कहाँ यूज़ कर रहे हैं, राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं हम इंडक्शन के टाइम पे, फॉर ओनली इंडक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप लेफ्ट हैंड रूल का कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ की करंट पहले से होता है, ठीक है, उसमें हमें मोशन ऑफ द कंडक्टर फाइंड करना होता है या फोर्स ऑन द कंडक्टर फाइंड करना होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में। राइट हैंड रूल में इंड्यूस्ड करंट की जो है डायरेक्शन हमें पता करनी होती है, ठीक है। और राइट हैंड थंब रूल में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करनी होती है तब, ठीक है, और केवल करंट दिया होता है उसमें। तो ये तीनों कहाँ यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हमेशा इंड्यूस्ड इंडक्शन के टाइम पे ही इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने के लिए, यहाँ पे करंट कभी गिवन नहीं होता है, यानी कि, ठीक है।